चावल के क्षेत्र में है, वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे, इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। देखिए हमारे विधायक कही गए, यही स्पष्ट हो रहा है, विधायक भी यही बोल रहे हैं। तो वो गए क्योंकि हमें तो अपने समाज के गरीब लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए काम करना। अगर मैं कल मंत्री नहीं रहता तो 348 एकड़ का जलकर आजकल हमारे विभाग में ट्रांसफर नहीं होता, कल ही कैबिनेट हुआ तो आज उससे 10,000 परिवार का घर चलेगा। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ जिसमें हमारे समाज का कोई ब्रेक हो। बाकी रहा कि जो लोग, कुछ लोग तो सोचते ही हैं इनको हटाएंगे, कुछ लोग तो चाहते हैं इसको रास्ते से हटाएंगे, तो वो लोग तो काम करने दीजिए, कुछ काम तो उनको भी छोड़ दीजिए ना। हमको जो काम है उनको हमको करने दीजिए, कुछ काम उनके ऊपर छोड़ देते हैं ना कि वो क्या करते हैं। बीजेपी की डील हुई थी आपकी कि दिल्ली में 6 महीने के बाद जब सरकार बनेगी तो आप विलय करेंगे। यही बात हमने पहले कहा ना कि बंद कमरे में दो ही लोग थे, गृह मंत्री जी थे और मैं था। उस बीच में जो भी डील हुआ दो ही लोगों को पता है, और बिहार के कोई भी नेता गेट तक भी जाने का उनका ये नहीं था कि कान लगा के सुनेंगे। तो ये बात को स्पष्ट माननीय गृह मंत्री जी कर देंगे तो ये बात को मैं भी सत्य मान लूंगा। इस बात को गृह मंत्री जी को जिस तरीके से संजय जायसवाल जी बोले हैं या अन्य नेता बोल रहे हैं, वही बात को गृह मंत्री जी अगर सामने आके मीडिया के सामने बोल देंगे तो इस बात को 100% सच मान लूंगा और इसके आगे एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। देखिए हमारे साथ पूरे बिहार की जनता है और हमारे अपने लोग हैं और निश्चित तौर पे सबका सिंपति हमारे साथ है। क्या आप हमारे साथ नहीं है? आप भी हमारे साथ है, इसलिए आपने एक गरीब पिछड़ा का बेटा का आवाज़ को पूरी दुनिया में सुनाने के लिए आप आए हैं, तो आप भी मेरे साथ हैं। वही है, कुछ लोग सामने से होंगे, कुछ लोग पीछे से होंगे, कुछ लोग घर पे से होंगे, कुछ लोग दिल में रखेंगे, यही होगा। बीजेपी के लगभग नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? बीजेपी का नेता तो नैतिकता के आधार पे हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके मुंह से शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति बिहार में सबसे बड़ा पार्टी किसी को छीन कर बनना चाहता हो वो व्यक्ति को ये बोलने का शोभा नहीं देता। 2 महीने बाद आप MLC नहीं रहे, उसके बाद भी आप 6 महीने मंत्री रह सकते हैं, क्या जदयू और राजद की तरफ से कोई भरोसा दिलाया गया है? देखिए राजनीति है, राजनीति में हम काम करना जानते हैं और आगे का रास्ता भी बनाना जानते हैं। आगे का रास्ता क्या होगा वो आप लोगों से छिपेगा नहीं, हम आगे काम करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे वो 1 साल में हम अपने संघर्ष को पूरा कर रहे, 2 साल में कर रहे या 13 साल में कर रहे, हम अपने संघर्ष के रास्ते पर रहेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव में हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं किया। उत्तर प्रदेश जाके उत्तर प्रदेश में हम अपने समाज को लाखों लोगों का भरोसा मैंने जीता है। हमारे जो एजेंडा है, मुद्दा है, उसको साथ में खड़ा हूँ और उसके लिए अगर जो भी मुझे कुर्बानी देना पड़े उसके लिए मैं तो अफसोस नहीं है। देखिए एक गरीब पिछड़ा का बेटा को लोग पीठ में छुरा भोंके या सीने में खंजर भोंके, जिनको जो भोंकना है वो भोंकते रहे, हम हमारे आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करते करेंगे। बोचहा में जो आपकी डील हुई थी उस समय 11 सीटों की, उसमें बेबी कुमारी को आप टिकट देने वाले थे, लेकिन रातोंरात आपने फैसला बदला और भाजपा उसी का बदला अभी ले रही है। संजय जायसवाल ने कल ही बात कही, ठीक है ना, हमने कहा ना कि जो भी डील हुआ वो माननीय गृह मंत्री जी को आगे बोलना चाहिए। डील क्या हुआ मुझे पता है, वो डील को अगर मैं इस जगह सार्वजनिक कर दूंगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो डील को हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो वही ज्यादा अच्छा होगा। हम अपने रास्ते चलेंगे और उनको लगता है कि ऐसा डील हुआ तो वो सामने से गृह मंत्री जी ही बीच में थे, वो उनको आगे बोलना चाहिए। आप लोग किधर से भी कुछ आपका मैडम सवाल बोले, अरे हम लोग तो पंगा लेने वाले ही लोग हैं। आप उस तुम खानदान से आते हैं कि हमारे लोग हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए और हम अपने नैया को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ने वाले। रहा कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं किसी से भी, आपने हमारे फूलन देवी को आपने देख सुना होगा उनके बारे में, एक छत्र चंबल में उनका ताकत था,
लोगों ने किस तरीके से उसको साइड किया, किस तरीके से अत्याचार किया, तो ये हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे होते रहा है और मैं अपने वजूद से कभी समझौता नहीं किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप छोड़ो, धीरे बंद करो।